यहाँ पे भैया ऑटो स्टैंड बहुत तगड़ा हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं पहले, लगभग 10 साल पहले जब हम लोग आ गए 5-स्टार होटल में। देखिए टुक टुक कितना डाउन टू अर्थ है। इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सारा हॉस्पिटल, लेकिन नहीं लुइस को जो है इधर पसंद आ गया। देखो नमस्कार नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, इट्स बाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाला ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया भाइयों भाई, बहुत दिनों बाद आज हम लोग सारे के सारे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से जगने का सौभाग्य मिला लिया। वक्त हो चुका लगभग सुबह के 5 बजने वाले हैं और हम लोग सारे के सारे, मतलब मैं, आयु, आयु की मम्मी, टुक टुक, हम लोग सब लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं रीना, जीजा, मम्मी, अर्नवारक। क्यों? अरे भैया कहीं जा रहे हैं हम। चलो 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 चलो। और ये आ गए लखनऊ। हमारे सारे के सारे पहलवान सब उतर रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसा लग रहा है आपको सालों बाद ट्रेन की सवारी? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। डॉक्यूमेंट्स रखे इसीलिए मैं ऐसे। यहाँ पे भैया ऑटो स्टैंड बहुत तगड़ा हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं पहले, लगभग 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो अर्नब लखनऊ आके कैसा लग रहा है आपको? बेकार। क्यों? मुझे भी बेकार। अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी तो ट्रेन से उतरे हैं, बस मजा नहीं आ रहा। इतनी भीड़ में कैसे? अरे यहाँ अरे आप बताइए कैसा लग रहा है? टुक टुक को भी अच्छा नहीं लग रहा। असल में भैया हम लोग जा रहे हैं रतन स्क्वायर, अजयगंज में पड़ता है। वहाँ पे हम लोगों को असल में बनवाना है पासपोर्ट। तो मम्मी का, रीना का, जीजा का, मैडम का और हमारा, हम पाँचों का होना है वेरिफिकेशन। और ये जो पिल्लर पार्टी आई है साथ में, ये लोग घर में करें तो करें क्या, तो इन सबको साथ में ले आए घुमाने के, क्योंकि ये लोग भी थोड़े दिन बाद पासपोर्ट बनवाएंगे तो इनको प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा, है कि नहीं टुकड़ा, कि कैसे लखनऊ में आना है धक्के खा के, फिर कैसे फोटो वोटो खिंचवाना है। अर्नब अर्नब कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं आया लखनऊ, पता चल गया इतना, इतनी देर ट्रेन में कौन बैठता है बताओ, मुझे तो वो भी एक जगह पे 4 घंटे। मुझे पता चल गया ऊपर बैठने से क्या होता है, नीचे बैठने से क्या होता है, क्या होता है ऊपर बैठने से उल्टी आ रही है मुझे। और अब तो ठीक है ना? अब तो भाई लोग हम लोग आ गए फाइनली रतन स्क्वायर। मतलब भैया ये है कि यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह का वेरिफिकेशन करते हैं, बस होकर वास्ते हम लोग सब लोग आए हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग लखनऊ घूमने आए हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आयु फूफा के साथ गोदी में बैठा हुआ है, वो सोच रहा पता नहीं क्या ताम झाम है, क्योंकि भैया हम लोग थोड़ा वक्त से आ गए पहले, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हल्का सा लंच कर लिया जाए। तो हम लोग आ गए 5-स्टार होटल में। देखिए टुक टुक कितना डाउन टू अर्थ है, आराम से बैठ के खा रही है पूरी, आलू जीरा विद चाय और सारा का सारा होममेड आइटम है। मम्मी रात को जग के 3 बजे से ये सब बना के लाई है। तो भैया आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भैया अपना काम जो है ओके हो गया, बढ़िया सी स्मार्ट सी फोटो आई है,
अब बारी है जीजा की और रीना की। इनका टाइमिंग है 12 और 12:15, दो लोग का अलग अलग टाइम है। अब ये लोग जा रहे हैं और ये जो ये बच्चा पार्टी हमारे, ये लोग को ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रखता है। अब इन लोगों को कम से कम कितना टाइम लगने वाला है, आधा घंटा। उसके बाद शायद हम लोग थोड़ा बहुत घूमने उमने जाने का प्लान है, क्योंकि मम्मी की टाइमिंग दी गई है 4 या 4:30। देखते हैं क्या होता है, पहले ये लोग दो लोग निपट के तो आए। जाओ तो भैया, लगभग आधे पौन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रीना ने भी जंग जीत ली। अब हम लोग सोच रहे कि थोड़ा अमीनाबाद मार्केट घूम लिया जाए, चला जाए। लेकिन सबसे पहले टुकटुक और आरब चाह रहे हैं कि नारियल पानी पीना है। अन्ना यार, यहाँ पे तो है नहीं नारियल पानी कहीं। हाँ, अब आगे नहीं, हम लोग तो इधर जाने वाले हैं। इधर तो इधर मिल जाएगा। चलो चलो चलो, आ जाओ फिर वहाँ देखते हैं अमीनाबाद में। आयु सोच रहा है ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। अमीनाबाद भैया एक बार आ जाओ, झोला भर के पैसा लाओ और झोला भर के कपड़े मिलेंगे, अनलिमिटेड डिजाइनिंग। एक बात बहुत जरूरी वो ये है कि भैया अगर मोल भाव नहीं कर पाए, बार्गेनिंग नहीं कर पाए, तब जेब जल्दी खाली हो जाएगी। हमारे साथ आयु है तो भैया थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, इसका पेट गड़बड़ हो गया था। हमारे बाकी पार्टनर बड़ा धीरे धीरे चलते हैं। अर्ज है, अमा मियाँ लखनऊ आए और प्रकाश जी की मशहूर कुल्फी ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो भैया हम लोग जस्ट पहुंच गए हैं प्रकाश जी की मशहूर कुल्फी के पास, क्योंकि हमारे बच्चे बिना बताए पहुँच रहे हैं उधर। रुक जाओ अर्नब, रुक जाओ, आ जाने दो यार सबको। लगभग 2 से 3 घंटे अमीनाबाद मार्केट में गुजारने के बाद हम लोग सब लोग ऑटो पकड़ के सीधा पहुंच गए रतन स्क्वायर। हम लोग फिर आ गए रतन स्क्वायर। अरे भैया, मम्मी का वेरिफिकेशन जो बचा था। मम्मी का टाइमिंग है 4:30, अभी वक्त हो गया है 4, आधे घंटे इंतज़ार करेंगे फिर मम्मी का वेरिफिकेशन, और उसके बाद आगे क्या करना है क्या नहीं वो तो बाकी लोग डिसाइड करने वाले हैं। आयु अपना सो गया है, थक गया बेचारा आज पूरा दिन घूम घूम के। टिंग टोंग, तो भैया वक्त हो चुका है 4:36 और मम्मी का जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाला जो भी काम था वो फाइनल हो गया। अब हम लोगों का जो सीन है, सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अब दो गुट में बंटने वाले हैं। ये वाला जो गुट है, ये दोनों लोग जा रहे हैं घर के लिए, वो इसलिए क्योंकि रीना की ड्यूटी भी है कल, और पिछले 4-5 दिन पहले भी इसने ऑफ लिया था, सो इमरजेंसी में इनको घर जाना पड़ रहा है। और हम मम्मी और टुक टुक हम लोग जा रहे हैं हमारे बड़े भैया के घर, किशोर डे नाम है उनका। अभी तक हम तो कभी गए नहीं उनके घर, वो लगभग 7-8-10 साल से यहीं है, लेकिन भैया अभी जाने को नहीं मिला उनके पास।
जिम वो जॉय का घर है ना, उनके घर जा रहे हैं तो टुकू आज बहुत ज्यादा खुश हो रखी है। हाँ। चलो अर्णव आरव का मूड अपसेट क्योंकि वो लोग घर के लिए, हाँ वो लोग घर जा रहे हैं। ठीक है बाय बाय। देख लो अर्णव का दर्द देख लो। तो भैया वक्त हो गया है लगभग शाम के 6:15 और हम लोग बड़े भैया के घर आके थोड़ा फ्रेश व्रेश भी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे ऊपर, अरे देखो क्योंकि यहाँ पे है बड़े भैया एक स्कूल चलाते हैं जीवन ज्योति नाम से, तो ये है उनकी क्लासरूम। यहाँ पे बच्चे अपना सेल्फ स्टडी या टीचर्स भी होंगे शायद। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बच्चे गए तो हम लोग ऊपर आ गए। यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं। यहाँ पे हारमोनियम वगैरह भी है, साउंड है, जिसको डांस करना है डांस कर सकता है। ये खिलौना भी है बच्चों का। इसका नाम है लुइस और लुइस से आयु बहुत ज्यादा डर है। देखो ये को दादा दादी जो है आयु को दिखा रहे हैं कि ये क्या है। ओ तेरी का। अभी आज तो फिलहाल हम लोग यहीं रुकने वाले हैं और बाहर का नजारा कुछ ऐसा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सारा हॉस्पिटल, लेकिन हम आपको यहाँ से दिखा तो सकते नहीं। और वैसे बड़े भैया का घर भी भैया बहुत जानदार बना है। ये देखिए गार्डनिंग भी करते हैं और मम्मी और चाची शायद हैं ऊपर गई फोर्थ फ्लोर पे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लुइस को जो इधर पसंद आ गया देखो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो लुइस लुइस खेलने में बिजी है बच्चे के साथ। दौड़ो नहीं टुकू दौड़ो नहीं। टुकू हमारी बहुत ज्यादा डरती रहती है। चलो चलो आयु को मजा आ गया। आयु को मजा आ गया आज। पूरा दिन बहुत ज्यादा परेशान था बच्चा, अब थोड़ा फ्री हो गया। तो भाई लोग वक्त हो चुका है रात के लगभग 10 और हम और टुक टुक हम लोग सोए हैं। डबल बेड बोलेंगे या ट्रिपल बेड पता नहीं। ट्रिपल बेड हम लोग ऊपर सोए हैं। वो भी तीन बेड देखो उधर मम्मी सो रही है नीचे और मैं हूं। तो भी आज वाला ब्लॉग बस यहीं तक के लिए। गुड नाइट लव यू बाय। टुकू आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो आज यूमो जॉय के साथ बहुत देर खेली है कि नहीं। गुड नाइट।